गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है लेकिन सभी लोग टाइम पे अभी भी प्रेजेंट नहीं हैं, सो प्लीज़ गिव योर प्रेजेंट, जल्दी जल्दी प्रेजेंट लगाइए फटाफट। लिंक मिलने के बाद लेट नहीं होना चाहिए यार, मज़ा नहीं आता फिर क्लास में। चलिए, यूनिट वन सेफ्टी मैनेजमेंट की क्लास में आज तीसरी क्लास है। आज मैं आप लोगों को हमारे सेफ्टी डिपार्टमेंट में ईएचएस स्टडी के अंदर फील्ड के अंदर कुछ थ्योरीज हैं, कुछ हमारे काफ़ी बड़े पुराने महान लोगों ने बहुत रिसर्च करके और कुछ थ्योरियाँ बनाई हैं, तो उनमें से तीन थ्योरी मुख्य रूप से पढ़ाई जाती हैं और पढ़नी चाहिए, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके थ्योरी, आज शायद एक ही थ्योरी हो पाएगी क्योंकि अच्छे से समझाना है तो फिर एक दिन में एक काफ़ी है। तो आज थ्योरी स्टार्ट करते हैं। और ये जो थ्योरी हैं, ये जब पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था पहले, जब मैंने कहीं पढ़ा तो हमें लगता था थ्योरी मतलब यार ये स्टडी के लिए ही है भाई, ये सिखाने बताने के लिए ही है, तो एग्ज़ाम में इसके संबंधित इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। लेकिन जब साइट पे गए, सेफ्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन में गया था मैं, तो जब साइट पे गए धीरे धीरे साल दर साल हम लोग फेस टू फेस होते रहे एक्सीडेंट्स इनसे, अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट से, तो समझ में आया कि सही में इन लोगों ने जो स्टडी की थी वो गलत नहीं है, 1% भी गलत नहीं है। मतलब 100 में से पूरा 100% ये लोग सही हैं जो ये थ्योरीज बना के गए हमारे लिए स्टडी के लिए, हमें समझाने बताने के लिए, बिल्कुल सही है। वो होता भी ऐसे ही है, ये लोग बहुत दूरदर्शी इंसान थे जिन्होंने इतनी तगड़ी रिसर्च की थी कि इतने साल बाद आज भी उन्होंने जो कहा था तब वो सच हो रहा है। तो ध्यान देना इस पर, ये थ्योरी बहुत ज़रूरी है। अगर ये थ्योरी समझ में आ जाती है तो हमें सेफ्टी का फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट करना है ये समझ आ जाता है। ये फाउंडेशन है हमारे सेफ्टी की स्टडी के। थ्योरीज ऑफ एक्सीडेंट्स कॉजेशन, एक्सीडेंट के जो कारण हैं उन पे थ्योरियाँ बनाई गई हैं। उनमें से सबसे पहली एक थ्योरी जो है वो है हमारे हेनरिच थ्योरी। हेनरिच सर जो हैं इनका नाम है और इनके द्वारा बनाई गई थ्योरी। तो मैं विद डायग्राम प्रैक्टिकली एग्जांपल देके बताऊंगा आपको। सबसे पहले दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक ये कि बिहाइंड एवरी एक्सीडेंट देयर इज ए कॉज, हर एक दुर्घटना के पीछे, हर एक एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कभी भी कोई भी एक्सीडेंट दुर्घटना नहीं होती है, कहीं भी कैसे भी देखिएगा, ये गारंटी है इस बात की कि कारण होता है पीछे। आपके साथ जीवन में कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, टू व्हीलर से हुआ हो, काम करते हुए हो, छत पे चढ़ते टाइम हुआ हो, सीढ़ियों से उतरते टाइम हुआ हो, कोई सामान उठा के कहीं लेके जाते टाइम हुआ हो, कहीं भी जब आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसको इमेजिन करके आप देखिएगा कि यार कहीं ना कहीं तो कोई गलती थी, भले ही मेरी नहीं किसी दूसरे की गलती थी, वहाँ पे कुछ तो था ऐसा जिसकी वजह एक्सीडेंट हुआ, बिना किसी कारण के हो नहीं सकता, ये बिल्कुल सच बात है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्सीडेंट्स डू नॉट हैपन बट दे आर कॉज्ड। एक्सीडेंट कभी खुद घटते नहीं हैं, वो किए जाते हैं। दुर्घटनाएं होती नहीं हैं, वो की जाती हैं। कुछ ना कुछ कारण उनके पीछे होता है, अपने आप खुद कभी कोई दुर्घटना नहीं होती है। और एक रेशियो है जो टाइम टू टाइम बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। मैं आप लोगों को अभी उसके बारे में बताना चाहूँगा। 88 तो एक रेशियो है कि एक्सीडेंट किस कारण से कितने परसेंट एक्सीडेंट होते हैं। 100 में से अभी मैं आपको बताऊं, 88% जो एक्सीडेंट हैं
वो होते हैं अनसेफ एक्ट की वजह से। ध्यान रखना मेरी बात को, अनसेफ एक्ट और कंडीशंस का आज नहीं बताऊंगा, इसके लिए स्पेशल क्लास रहेगी शायद कल के बाद। 10% ओनली 10% एक्सीडेंट का कारण रहता है अनसेफ कंडीशन। असुरक्षित कार्य सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण होते हैं कार्यस्थल पर, वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हो या कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में हो, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ओनली 10% एक्सीडेंट्स जो है अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं। हालांकि ये अनसेफ कंडीशंस भी ज़्यादातर सभी हमारे द्वारा ही पैदा की जाती हैं, इंसान द्वारा ही पैदा की जाती हैं। सिर्फ 2% जो है ये एक्सीडेंट होते हैं नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से। किसी को अटैक आ सकता है, नेचुरल है भाई, कभी किसी को आए क्या कर सकते हैं, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स हो, कहीं जंगल में काम कर रहे हैं, सांप या और कोई जहरीला कीड़ा काट जाए, तो ये सब चीज़ें हमारी नेचुरल एक्सीडेंट के अंदर आती हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप समझ सकते हैं, सभी सिंसियर हैं इतने तो। तो ये एक रेशियो मैंने आप लोगों को बताया है और इसको हमेशा याद रखिएगा, लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए जो हेनरिच की थ्योरी का एक ग्राफ बनाया गया है, पिरामिड, इसको एक्सीडेंट पिरामिड भी बोलते हैं बेटा। हेनरिच थ्योरी के अलावा इसका नाम एक्सीडेंट पिरामिड भी होता है। इनकी थ्योरी है 330 की, 330 ये इनकी थ्योरी है। अब 330 का मतलब ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा का जो पोर्शन है, जब कभी कोई भी इंसान अनसेफ एक्ट को इग्नोर करता है, सेफ्टी को इग्नोर करता है, पीपीज वगैरह को यूज नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको थोड़ी मोटी चोटें हमेशा लगती रहती हैं, जिसको हम नो इंजरी एक्सीडेंट भी कहते हैं। नो इंजरी एक्सीडेंट मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल को ले सकते हो आप, किसी भी एक ऐसे मजदूर को, लेबर को, इंजीनियर को, कामगार को ले सकते हो जो हमेशा सेफ्टी को इग्नोर करता है, एक्सीडेंट्स छोटे मोटे उसके साथ हो रहे हैं, फर्स्ट एड लायक हैं थोड़े बहुत, इसको हम नो इंजरी एक्सीडेंट उसी को बोलते हैं बेटा जिसमें कभी भी किसी को इंजरी नहीं होती, चोट नहीं होती, लेकिन एक्सीडेंट तो होता है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हर वो दुर्घटना एक्सीडेंट जरूरी नहीं है कि इंसान को नुकसान पहुंचा दे, जिसमें नुकसान नहीं होता है लेकिन हो सकता था, संभावना पूरी है कि अगर वहां ऐसा होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, उसको भी हम एक्सीडेंट ही कहते हैं। तो किसी इंसान के साथ जब वो कभी भी इग्नोर करता है सेफ्टी को, एक्सीडेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसके साथ छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नो इंजरी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो वो कम से कम 300 बार ऐसा होगा उसके साथ लगातार, तब इसके बाद भी अगर उनको किसी प्रकार की सेफ्टी के बारे में ज्ञान नहीं होता है, वो सेफ्टी के प्रति जो है सीरियस नहीं होते हैं, तो फिर 29 जो है माइनर इंजरी होना पक्का है। 300 नो इंजरी एक्सीडेंट के बाद कम से भी कम 29 माइनर इंजरीज होंगी। अब माइनर इंजरीज में क्या है, उसको थोड़ा सा सरिया लग गया था, ईंट लग गई थी, मशीन में आता गया थोड़ा सा हल्का सा, फर्स्ट एड मतलब माइनर इंजरीज हैं, इसको रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में नहीं कह सकते कि भाई फ्रैक्चर भी हुआ तो कल तक वापस काम पे आ सकता है, थोड़ा बहुत था, कहीं कट लग गया, बैंडेड वगैरह लगा लिया, फर्स्ट एड करा लिया, ठीक, या एक दो घंटे बाद दोबारा ठीक हो गया, काम पे आ गया, इस तरीके की माइनर इंजरीज होंगी उसको 29 टाइम्स जरूरी।
इसके बाद भी अगर ऐसे ही चलता है तो भाई एक मेजर एक्सीडेंट होगा। ये गारंटी है इस थ्योरी की, मेजर एक्सीडेंट जरूर होगा। और ये मेजर एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो एक महीने, दो महीने, चार महीने में ठीक हो जाएगा, हो सकता है कि जान भी चली जाए। इट विल बी फैटल एक्सीडेंट। फैटल एक्सीडेंट आप समझते हैं जिसमें इंसान की जान चली जाती है, उसको फैटल एक्सीडेंट बोलते हैं। और ये जो थ्योरी है ना, ये हेनरी सर ने ऐसे ही नहीं बनाई है। 75,000 एक्सीडेंट रिपोर्ट उन्होंने रीड किया था, 75,000 नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स को उन्होंने रिसर्च किया, पढ़ा। इसमें वो सभी एक्सीडेंट भी थे विच लीड टू लॉस्ट टाइम इंजरी, जिसमें 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक वापस कामदार काम पे नहीं आते हैं, उसे हम लॉस्ट टाइम इंजरी एक्सीडेंट कहते हैं। तो वो भी इसमें शामिल थे, फैटल एक्सीडेंट भी इसमें शामिल थे। तो इतना सब पढ़ने के बाद उन्होंने 75,000, कोई कम नहीं होता है भाई, डेली कोई एक्सीडेंट नहीं होते हैं जो लॉस्ट टाइम इंजरी में काउंट हो सके। तो उन्होंने कहाँ कहाँ से इकट्ठे करके 75,000 पे रिसर्च किया, तो ये निकल के आया कि काम करने के दौरान अगर सेफ्टी को हमेशा ही इग्नोर किया जाए तो उनके साथ एक्सीडेंट जरूर होता है। अब इस चीज़ का मैं आपको परसेंटेज में, अगर 100 की परसेंटेज में माने हम, तो इसमें से 90.9% ऑफ ऑल एक्सीडेंट प्रोड्यूस नो इंजरी। जो टोटल एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 90.09% एक्सीडेंट्स जो हैं वो नो इंजरी में काउंट होते हैं हमेशा, और 08.8% एक्सीडेंट माइनर इंजरी, 08.8% एक्सीडेंट्स में माइनर इंजरी होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट में आपको बताऊं, 0.3% चांसेस, 100 में से 0.3% चांसेस होते हैं मेजर एक्सीडेंट के। ये रेशियो बड़े कमाल के हैं। इससे पता चलता है कि अगर ये सब जो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो रहे थे वो टाइम में अगर ध्यान दे दिया जाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, 100 में से 90% तो ये नो इंजरी एक्सीडेंट ही होते हैं। तो इसी टाइम में अगर सेफ्टी को ध्यान में रख के, अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रख के, सुरक्षा के नियम, रेगुलेशंस, पीपीज वगैरह इस्तेमाल करके अगर काम किया जाए तो इससे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, माइनर इंजरीज को रोका जा सकता है। अगर ये नहीं होंगी तो फिर ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं होते हैं ग्राफ आगे नहीं बढ़ेगा, और जब तक ये नहीं होंगे तो भी ग्राफ आगे नहीं बढ़ेगा। अब अगर एग्जाम्पल चाहे तो मैं दे सकता हूँ, ये चीज़ हमने रियली एग्जाम्पल में देखी है, साइट पे हमारे सामने ही ये सब चीज़ें देखा है यार हम लोगों ने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे स्टडी करा रहे हैं कि ये बस किताब से पढ़ा और वो चीज़ें आप लोगों के सामने रख दिया। एक एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिया भी था नियर मिस एक्सीडेंट के लिए, उसी तरीके का था। एक लड़के थे उड़ीसा में, शायद हम लोग थे उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक पे, तो उस समय मालदा एरिया है बंगाल में जहाँ पे, वहाँ के कुछ लड़के थे, और वहाँ मालदा एरिया से ना हमेशा कम उम्र में ही बच्चों को मजदूरी करवाई जाती है, काम कराया जाता है। हालांकि वो पता नहीं कहाँ से आधार कुछ भी उनका आईडी प्रूफ, वोटर कार्ड वगैरह जो है ना, वो 18 साल का ही बना के लेके आते हैं, इसलिए हम लोग उसको एंट्री देने से भी मना नहीं कर सकते, लेकिन होते वो बच्चे ही हैं, वो पूरे 18 साल के नहीं होते हैं, 15 से 16 साल के मुश्किल से रहते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चे थे, उन लोगों को कितनी बार भी बोला जाए, कुछ भी कहा जाए, वो बचपने में थे, मैच्योर नहीं थे वो लोग,
अनमेच्योर थे तो वो ध्यान नहीं देते थे बिल्कुल भी उस चीज़ पे। बार बार साइड पे जाएं हम तो उनको बोले हेलमेट लगाओ तो वो लगाते थे, वरना वो गर्मी लग रही बोल के उतार देते थे। इधर उधर कोई नहीं है फिर भी उतार देते थे। हाइट पे जाना है सेफ्टी बेल्ट कभी नहीं लगाते थे। मतलब लगा भी लिया, अगर हम लोग सामने खड़े हैं सेफ्टी का कोई भी आदमी तो वो लगा के जाएंगे, लेकिन जो लैनयार्ड होती है उसको पेट पर लपेट के और वैसे ही जो है वो लोग काम करते रहेंगे। तो उन लोगों को मैंने बहुत दिनों तक ऑब्जर्व किया, मतलब ऐसा ही था। तो क्या करें, मार नहीं सकते हैं किसी को, पेनल्टी लगाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन दो दिन की सैलरी काटेंगे, लेकिन वो भी ठीक नहीं लगता है कि किसी मजदूर की यार हम लोग वो करें। तो उन लोगों काफ़ी दिन तक ऑब्जर्व करते रहे तो एक्सीडेंट्स तो हुए उनके साथ, एक्सीडेंट्स हुए, दो तीन लड़के थे वो, उनके साथ होते थे ज़रूर, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन लोगों को ज़्यादा चोट आई हो। कभी थोड़ा बहुत हुआ तो फर्स्ट एड वगैरह हल्का कर देते थे, साफ़ सफाई करके हाइड्रोजन से वो बेटाडीन वगैरह लगा के और ठीक हो जाता था वो। तो ऐसे चलते रहे, फिर उनमें से एक लड़के का हाथ जो है वो स्टिचिंग पाइप में बीच में आ गया और वो कम से कम एक हफ्ता काम पे नहीं आया, यानी कि वो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट काउंटिंग में आ गया था। ये चीज़ उनकी पूरी हो चुकी थी, अब वो यहाँ इंटर कर रहे थे। फिर उसके बाद पता चला दो और लड़के हैं, वो दोनों जिस प्लैंक्स पे खड़े थे वो काफ़ी पुराना टूटा हुआ, दो तीन प्लैंक्स लगाए थे उन्होंने, मतलब टूटने वाले थे, उस पे खड़े होके वो कुछ आपस में बदमाशियाँ कर रहे थे। तो वो प्लैंक्स टूट गया और एक को थोड़ी कम चोट लगी, दूसरे को थोड़ी ज़्यादा लगी पैर में। मतलब ये थ्योरी चल रही थी वहाँ पर पूरी की पूरी। बहुत कोशिश किया हम लोगों को समझाने का, बताने का, फिर हाइट वर्क से उतार के हमने कहा उनको भाई एक्सकावेशन में लगाओ, हाइट वर्क में कभी भी ये लोग चोट खा सकते हैं। एक्सकावेशन में लगाया तो एक्सकावेशन में भी उन लोगों का काम था कि सेफ्टी के रेगुलेशंस को जो है हमेशा इग्नोर ही किया जाना है, क्योंकि वो अभी भी बचपने में ही खेलकूद में ही काम करते थे, उनको ज़्यादा कुछ चीज़ों का पता नहीं था। तो एक्सकावेशन में एक लड़का उनमें से, एक्सकावेशन था कम से भी कम वो 12 फीट के आसपास था, 10 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही था, ऊपर से डायरेक्टली वो लड़का नीचे गिरा और नीचे रेनफोर्समेंट हो चुका था। रेनफोर्समेंट समझते हैं ना, सरिये लगाए जा चुके थे। वो लड़का नीचे गिरा और उसका सिर्फ एक पैर सरिये की तरफ गया, बाकी वो एक्सकावेशन की जो एज था, जो एक्सकावेशन की जो दीवार थी और जो सरिये लगाए थे उसके बीच में 1.5 फुट का कम से कम गैप था, वो उसमें जाके गिरा, लेकिन उसका एक पैर हवा में उछल के और सरिये पे जाके गिरा, तो एक सरिया उसके पैर के लगभग आर पार हो गया। और ये रियलिटी है, ये चीज़ हमने आंखों से ये सब चीज़ें देखी हैं नौकरी करते टाइम में, इसीलिए ये थ्योरी को मैं कहता हूँ कि ये ओरिजिनल है भाई, इसको ध्यान देना पड़ेगा। जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये तो होना ही होना है। अगर मेजर एक्सीडेंट होने माइनर एक्सीडेंट स्टार्ट हो गए, समझ लीजिए किसी न किसी मेजर एक्सीडेंट भी होगा ही होगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है आप लोगों के लिए, एक चैप्टर ये हेनरिच सर की थ्योरी कंप्लीट होती है। इसमें कुछ कमी रही हो तो बता दीजिएगा, दोबारा फिर दूसरी नेक्स्ट टाइम क्लास में उसको मैं पूरा करूँगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं सेम टाइम पे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।